Hello friends, this is Raj. Welcome to Fitness Hotstar. So friends, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्रीन टी पर है. आज हम बात करेंगे कि ग्रीन टी क्या होती है, कितनी पावरफुल होती है, ग्रीन टी के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ग्रीन टी हमें कैसे कंज्यूम करनी है, कब कंज्यूम करनी है और कितनी कंज्यूम करनी है. लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ये बिल्कुल फ्री है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रीन टी क्या होती है. फ्रेंड्स, ग्रीन टी कैमेलिया सिनेंसिस लीव को ड्राई करके बनाई जाती है और इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती है जो यूजुअली ब्लैक टी को बनाने के लिए होती है. और ग्रीन टी वैसे तो चाइना में ओरिजिनेट होती है लेकिन इसका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर बाकी एशियन कंट्रीज में भी होने लगा है, जैसे कि इंडिया में अब ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है. तो चलिए अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की. फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली 2 से 4 कप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एसडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करती है और आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करती है, जिससे अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं. फ्रेंड्स, इसके अलावा ग्रीन टी में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एज अ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिससे जो कॉमन डिसीजेस होती हैं लाइक कफ, कोल्ड, फीवर, ये नहीं होती हैं. फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप रेगुलरली 2 से 4 कप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो ये आपके वेट लॉस और फैट लॉस में हेल्प करती हैं, बिकॉज ग्रीन टी में शुगर एडिड नहीं होती है और ग्रीन टीज में कैलोरीज भी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. और इसी वजह से ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, बिकॉज ये उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं. फ्रेंड्स, इसके अलावा ग्रीन टी हमारी ओरल हेल्थ मतलब माउथ की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बिकॉज ये हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और साथ में टीथ से होने वाली प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करती हैं. आप ग्रीन टी का यूज़ एज अ माउथ वॉश भी कर सकते हो. फ्रेंड्स, इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर के लिए भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो कॉमन स्किन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, जैसे पिंपल्स, एक्जिमा और वॉट्स. फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का यूज़ रेगुलरली करते हैं तो हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट कैंसर की रिस्क को डिक्रीज करती है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी आपको कैसे यूज़ करनी है. फ्रेंड्स, ग्रीन टी को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज मोस्टली ग्रीन टी बैग्स में मिलती हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वाटर को बॉयल करना है और 3 to 5 मिनट्स उस टी बैग को उसमें डिप करना है. लेकिन फ्रेंड्स, बहुत लोग ग्रीन टी के नाम से ही डरते हैं बिकॉज उनको उनका टेस्ट बहुत बिटर लगता है, मतलब कड़वा लगता है, और इसी वजह से वो ग्रीन टी को कंज्यूम नहीं करते. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको बिगनिंग में हैबिट डालनी है तो उसमें आप हनी मिक्स करके ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी तो तब आपको वो कड़वी नहीं लगेगी. अब बात आती है कि ग्रीन टी आपको कितनी कंज्यूम करनी है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 2 से 4 कप ग्रीन टी डेली कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और ये हेल्थ बेनिफिट्स आपको स्लोली स्लोली मिलेंगे. उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स बताए और मैंने ये बताया कि ग्रीन टी कितनी पावरफुल है आपके लिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें.